अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारान में। ये रात की कंडीशन है आफ्टर कोरोना वायरस की। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लोगों की रूटीन, दिखाता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या सिचुएशन चल रही है, होटल्स का किराया क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये सामने एक होटल है, ग्रैंड हर्टैग टाउन ईट हाउस होटल का नाम है। काफ़ी कॉस्टली और अच्छा होटल है। 20,000 पर नाइट इसका रेट है। दीवान खास ग्रैंड हर्टैग दीवान खास इस होटल का नाम है। ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग आए हुए हैं आफ्टर कोरोना वायरस। लोगों ने नारान का रुख किया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 23 है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी, तो आज टेम्परेचर नॉर्मल है। ये नारान में है पंजाब टिक्का हाउस, काफ़ी फेमस है। इसकी दो हैं पंजाब टिक्का, एक यहाँ पर है, एक थोड़ा आगे है। ये सामने दोस्तों आप होटल देख रहे हैं, क्योंकि अब सीज़न है इन लोगों का। ये रेट इनका चल रहा है 4,000 के करीब करीब। अगर लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने विज़िट किया था, ये 1500 चार्ज कर रहे थे। तो क्योंकि कंपटीशन भी है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनके रेट्स भी बढ़ गए हैं। एक होटल इसके साथ है। काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश है। ये सामने एक शवारमा की शॉप है, सोहराब वैली होटल नारान। यहाँ पर आप आकर बारबेक्यू और शवारमा भी खा सकते हैं। तो चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कंडीशन नारान की। सामने एक शॉप है फीमेल्स के लिए, आपको यहाँ पर शॉल वगैरह भी मिल जाएंगी और सूट्स भी मिल जाएंगे। सामने कॉफ़ी शॉप है। ये जी जीप्स हैं जो जाती हैं लेक सेक्शन की तरफ। ये फाइनली मैं मौजूद हूँ पंजाब टिक्का शॉप पे। नारान का काफ़ी फेमस ये होटल है, जहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है खाना। जाके अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। यहाँ पर कुछ लड़के फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये जी नारान का बाज़ार है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है लोगों का। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।